झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का बिग ब्लेस। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। हाल के दिनों में देश के कुछ कपास उत्पादक राज्य में हुई भारी बारिश से कपास की फसल को नुकसान की आशंका जताई जाने लगी थी। हालांकि जानकारों का कहना है कि मौजूदा समय में हुई भारी बारिश के बावजूद कपास के रकबे में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, क्योंकि किसानों के पास अभी भी कपास की दोबारा बुआई करने का मौका है। एक अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र में अत्यधिक बारिश की वजह से कुल खरीफ फसल का करीब 8.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि वास्तविक रिपोर्ट का आना अभी बाकी है। बता दें कि महाराष्ट्र में ज्वार, तुअर और अन्य के साथ कपास और सोयाबीन खरीफ की बड़ी फसल है। साथ ही ओरिगो कमोडिटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के मुताबिक महाराष्ट्र में खरीफ के तहत 157 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है, और अगर इसके मुकाबले राज्य में कपास की कुल बुआई 42.81 लाख हेक्टेयर को ले तो भारी बारिश की वजह से करीब 2.3 लाख हेक्टेयर में कपास की फसल को नुकसान हो सकता है। उनका कहना है कि कपास की फसल को हुआ नुकसान इस साल के लिए हमारे द्वारा लगाए गए बुआई के अनुमान 125 से 126 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की तुलना में कम से कम नगण्य है। वहीं बता दें कि कपास का क्षेत्रफल अभी भी पिछले साल की तुलना में ज़्यादा रहेगा। उनका कहना है कि जुलाई में कम या भारी बारिश की वजह से अगर फसल खराब भी हो जाती है तो भी किसान द्वारा हमेशा दोबारा बुआई की गुंजाइश बनी रहती है, और ताज़ा मामले में ऐसा ही हो रहा है। हालांकि अगर सितंबर या अक्टूबर महीना होता तो स्थिति कुछ और होती। साथ ही उनका कहना है कि मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कपास उत्पादक क्षेत्र में अगले 5 दिनों में छिटपुट से लेकर कम बारिश होने का अनुमान है, जो कि फसल की प्रगति के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। उधर कॉटलुक ने अपने नवीनतम अपडेट में अमेरिका और ब्राजील में कम उत्पादन की वजह से 2022-23 के लिए वैश्विक कॉटन उत्पादन के अनुमान को 6,24,000 टन घटाकर 25.7 मिलियन मीट्रिक टन कर दिया है। वही सूखे की वजह से अमेरिका में उत्पादन थोड़ा कम रहने की आशंका है। खासकर अमेरिका के सबसे बड़े कॉटन उत्पादक राज्य टेक्सास में उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है, जिसकी वजह से उपज पर असर पड़ेगा। अमेरिका में कॉटन का उत्पादन 3.1 मिलियन मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जो कि पूर्व के अनुमान 3.5 मिलियन मीट्रिक टन से कम है। भारत और चीन में कॉटन का उत्पादन 6 मिलियन मीट्रिक टन और 5.8 मिलियन मीट्रिक टन पर स्थिर रहने का अनुमान है। वहीं वियतनाम से मांग में कमी की वजह से 2022-23 में वैश्विक खपत के अनुमान 1,50,000 टन घटाकर 25 मिलियन मीट्रिक टन कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 जुलाई 2022 तक देश भर में कपास की बुआई 117.65 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि पिछले साल की समान अवधि की 111.2 लाख हेक्टेयर की तुलना में 5% ज़्यादा है। साथ ही बता दें कि चालू खरीफ सीजन में देश में कपास का रकबा 4 से 6% बढ़कर 125-26 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है, क्योंकि पिछले 2 साल से किसानों को कपास में अच्छा पैसा मिला है और सोयाबीन की कीमतों में आई हालिया तेज गिरावट किसानों को कपास की बुआई करने के विकल्प का चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करेगी। साथ ही देश भर के प्रमुख हाजिर बाजारों में कपास की आवक बता दें कि घट कर 1700 गांठ दर्ज की गई, जबकि बता दें ये गुरुवार को आवक 2100 गांठ थी। कुल मिलाकर गुजरात में करीब 700 गांठ और महाराष्ट्र में लगभग 1000 गांठ आवक हुई थी। हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोई आवक दर्ज नहीं की गई थी। साथ ही 2022 के अंत तक कॉटन का भाव 30,000 रुपये प्रति गांठ तक लुढ़कने का अनुमान है, और बता दें कि ICI दिसंबर वायदा का भाव नीचे में 80 सेंट प्रति पाउंड के स्तर तक पहुंच सकता है। साथ ही फसल नुकसान की खबर की वजह से पिछले हफ्ते 1.7% की रिकवरी के बावजूद शॉर्ट टर्म में हाजिर बाजार में कॉटन के बाजार में 40,000 रुपये प्रति गांठ से बता दें कि 43,800 रुपये प्रति गांठ के दायरे में कारोबार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।